नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी गार्डनिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आम में लगने वाले फल छेदक कीट के ऊपर होने वाली है। आज हम आपको आम के पेड़ में लगने वाले फल छेदक कीट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आम के पेड़ में या जो फल छेदक कीट होते हैं, यह बहुत ही हानिकारक होते हैं। यदि एक बार आपकी फसल में या कीट लग जाए, आपकी पूरी फसल को नष्ट कर देता है। दोस्तों, आज हम आपको इस कीट की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे इसे पहचान सकते हैं और कैसे इसे नष्ट कर सकते हैं। यदि आपके आम के पेड़ में यह कीट लगा हो तो इसे जल्द से जल्द नष्ट कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत में आम की खेती उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात में मुख्य रूप से की जाती है। फसल से पैदावार लेने के लिए देखभाल की जरूरत होती है। इसके फल में अनेक रोग एवं कीट लगते हैं, जिनका अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। आम की फसल पर फ्रूट ब्रोरर यानी फल छेदक कीट का विगत 2 वर्ष में व्यापक प्रकोप देखा जा रहा है। इसका प्रकोप भारी वर्षा एवं वातावरण में अत्यधिक नमी होने की वजह से इस कीट का व्यापक प्रकोप देखा जा रहा है। समय से इस कीट का प्रबंधन नहीं होने पर फलों को नुकसान होने की अधिक संभावना है। ये कीड़ा लार्वा के रूप में 2 सटे हुए आम के फलों पर लगता है। आम का जो भाग सटा हुआ होता है उसी देखा जाता है। शुरुआत में ये कीट आम के फल पर काला धब्बा जैसा दाग डाल देता है। यदि समय से इसकी रोकथाम नहीं की गई, तो ये फल को छेद कर अंदर से सड़ा देता है, जो कुछ ही दिनों में गिर जाता है। इसे रेड बैंडेड मैंगो कैटरपिलर भी कहते हैं। रेड बैंडेड मैंगो कैटरपिलर RBMC एशिया के उष्णकटिबंधीय भागों में आम का एक महत्वपूर्ण कीट है। भारतवर्ष में इस कीट से 10 से 50% के बीच हानि का आकलन किया गया है। यह कीट आम के लिए एक गंभीर खतरा है। किसान समय रहते इसका प्रबंधन कर कीट से होने वाले नुकसान से निजात पा सकते हैं। इस तरह करें कीट की पहचान। आम का फल छेदक बोरर, लाल पट्टी वाला छेदक बोरर, आम का गुठली छेदक बोरर नामों से जाना जाता है। इस कीट के अंडे का आकार 0.45 × 0.7 मिमी, रंग दूधिया सफेद होता है। कीट का रंग 2 से 3 दिनों के बाद क्रिम्सन रंग में बदल जाता है, जो दिखने में गुलाबी, बैगनी और काले सिर क्रीम रंग के होते हैं। लार्वा बढ़ते ही चमकीले, गहरे लाल और सफेद रंग के बैंड के साथ चमकदार हो जाते हैं। इसके सिर के पास एक काला कॉलर होता है। लंबाई में 2 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। एक आम के फल में 1 से अधिक लार्वा मौजूद हो सकते हैं और वे अलग अलग आकार के हो सकते हैं। फल छेदक एक नाशी कीट है जो आम के फल को नुकसान पहुंचाता है। यह कीट फल के मध्य भाग एवं बीज को प्रभावित करता है। कीट आम की गुठली में छेद करके अंदर घुस जाता है। कुछ समय बाद यह गूदे में पहुंचकर फल को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण फल खाने लायक नहीं रहते हैं। कीट प्रभावित फल पर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अधिक संक्रमण होने पर फल सड़ने लगता है। कीट से इस तरह करें बचाव। आम के फल को इस कीट से बचाने के लिए सबसे पहले बाग से सड़े गले और गिरे हुए फल को बाग से इकट्ठा कर बाहर कर नष्ट कर दें। इस कीट के प्रबंधन के लिए क्लोरिंट्रानिलिप्रोइल, कोरिजन 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमामेक्टिन बेंजेट 0.4 ग्राम या डेल्टा मेथ्रिन 28 EC 1 मिली डॉट लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस कीट की उग्रता में कमी लाई जा सकती है। आम के फल के मटर के बराबर होने पर क्लोरिंट्रानिलिप्रोइल का छिड़काव करना चाहिए। 2 सप्ताह बाद पुनः छिड़काव को दोहराना चाहिए, जिससे आम के फल को कीट से बचाया जा सके।
दोस्तों, आपको आज की हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।